सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है सबका एक और नए व्लॉग में। और भाई आज का दिन मैं जिम से शुरू कर रहा हूँ। आज कोई यार देखो, जब यार मेरा लाइफ ही सारी यार दोस्तों के साथ है। अब यार दोस्त ही नहीं अपने जेड़े हैं, ठीक है। जोता फैक्ट्री पे गया हुआ है, जोते जिम नहीं आएगा आज, ठीक है। और लंबे और मोटा पदार्था जा रखे हैं घूमने के लिए। और बाकी जो से हैं वो बिजी हैं, जॉब्स पे हैं, ठीक है। तो मैं किसी यार आवारा गर्दी वाले यार दोस्त हैं मेरे कहने का मतलब, ठीक है, वो चौधरी वाले। और अब मैं जा रहा हूँ जिम के लिए। अब जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे बिंदास, आज लगाने हैं शोल्डर। और मैं कन्फ्यूज पड़ूँ, बोल्ट पे जाऊँ या फिर साइकिल पकड़ूँ। आज साइकिल पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया साइकिल नहीं चलाई, और ऐसी खड़ी रहती है वो आजकल। साइकिल पे चलेंगे जिम। और यार ये तो ना मेरे घर के नेड़े पे है, तो मैं अभी बोल्ट उठा के जाता हूँ स्पेशल। साइकिल पे चलेंगे, फिर तो मिलते हैं रास्ते में। हाँ तो यार साइकिल चक ली है और अब जा रहा हूँ जिम के लिए, ठीक है। और आज प्लान बन रहा है वैसे चिकन खाने जाने का, क्योंकि अंजलि और मैंने ना कल भाई डिसाइड कर लिया कि हमने बाहर का अगर खाना भी है ना तो सिर्फ चिकन खाएंगे, नॉन वेज और कुछ नहीं खाएंगे। और नॉन वेज में भी ये गंद नहीं खाना, मतलब ये बटर चिकन खा लिया, बर्गर के बटर नान करा लिया उसके बाद, क्योंकि भाई बीच में मैं ऐसे शुरू हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, प्रोटीन तो आ ही रहा है, भैन चो खा लेते हैं बटर चिकन, कुछ नहीं होता, ये है वो है। अब नहीं भाई, बिल्कुल बंद भाई। अब तो तुम्हारा भाई बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर चलेगा और तुम्हें दिखाएगा भैन चो कैसे करनी है अब चेंज पूरी लाइफ अपनी। चलो बने रहो एंड तक। अगर कोई मेरा भाई चैनल पे नया, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल कलर का बटन बना हुआ सब्सक्राइब का, उसे दबाते जाओ। और भाई लाइक कर देना स्टार्टिंग में वीडियो, क्योंकि मेरे को पता तुम लोग भूल जाते हो यार, इसलिए मैं बार बार तुम्हें याद करवाता रहता हूँ। फटाफट कर दो भाई। और भाई अब मौसम चेंज हो गया यार आजकल ना, लगती नहीं बिल्कुल भी ना गर्मी। अब देखो इतनी धूप है यहाँ पे, ठीक है। और अब तक मैं निकला होता हूँ ना अगर वैसे नॉर्मली बाहर, तो भाई इतने में तो बुरे हाल हो जाते हैं, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों को पता ही है सबको कि मुझे भाई बैठे बैठे भी गर्मी लगती है, इतने पसीने आते हैं मेरे को। तो भाई मतलब कि चेंज हो रहा है मौसम, और भाई ख्याल रखो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो सारे बीमार होने शुरू होंगे किसी को। तो भाई अपना बना के रखो क्या धंधे वो, ठीक है। बाकी भाई अपना ध्यान रखो भैन चो, अपनी डाइट बढ़िया रखो, ठीक है, पहली बात, क्योंकि तुम्हारी डाइट बढ़िया होगी, गर्म खाओ, अब ठंड आ रही है, ठीक है। तो भाई दिक्कतें वैसे नहीं लगती, ये चीज़ें वैसे दूर रहती हैं। बाकी जा रहे हैं जिम को, और वो बोल सड़ी मेरे को और नहीं मारा था, मैंने जायजी गाड़ियाँ निकाल दी उसको, बाकी कोई बात नहीं, मिलते हैं तो उसे जिम में। क्या मौसम चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखो। तो भाई आज का वर्कआउट हो गया कंप्लीट, शोल्डर पंप देख लो कितना खतरनाक आ रखा है इस टाइम, और दर्द भी ये चीज़ इतनी गलत हो रही है ना। और अंजलि से मेरी बात हुई है, 6 बजे फ्री होएगी वो, उसका ट्रायल आज क्रिकेट का, ठीक है। ट्रायल से फ्री होते फिर देखते हैं, चिकन चुकन खाने जाएंगे, जंक फूड तो बंद आज से बिल्कुल ही, ठीक है, कुछ नहीं खाना। और अब तुम्हें मिलेंगे सीधा अंजलि के साथ। ओके 12 अंडे गूगल पे करता हूँ और जाके ये करना। हाँ इधर ही करूँगा बाहर को जाके, जो मर्जी कर, बस ये करना बेटी, ठीक है। ठीक है भाई, अंडे ले लिए तुम्हारे भाई ने, अब घर जाके अंडे उबाल लूँगा और खाऊंगा फिर फटाफट। भूख लगी है इस टाइम बहुत ज़्यादा, बहुत अत की पैंच, और दूध तो लिया नहीं। तो भाई सीन सेट है, तुम्हें बताया था वैन चो, तो बिल्कुल डाइट पे रहेगा तुम्हारा भाई। और भाई अंडे उंडे कर लिए, ठीक है। दूध में वैसे नॉर्मली पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने दूध रख लिया है भाई, ये बस मैं स्वाद के लिए पी रहा हूँ, क्योंकि भाई बिल्कुल टेस्ट नहीं मार सकता मैं, इसलिए मैंने स्वाद के लिए थोड़ा सा दूध ले लिया। और दूध मैं बहुत कम पीता हूँ, ठीक है, मतलब जब डाइट में होता हूँ तब, नहीं तो मैं आजकल रेगुलर दूध पी रहा हूँ। पहले सब कुछ कोई सब कुछ खा ही रहा था, जंक फूड चल रहा था, तो मैं दूध भी साथ में पी रहा था। अब दूध भी कम कर देंगे, ठीक है। और अंडे खाऊंगा अभी फटाफट, ठीक है, अंडे खा के फिर अंजलि को फोन करूंगा, उसके साथ बाहर जाना है, इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा बहुत सैर कर लेंगे, वॉक हो जाएगी। फिजिकली जितना एक्टिव हो सके उतना एक्टिव रखना खुद को, और डाइट तो तुमने देख ही लिया बढ़िया रखनी है। और मैंने स्टैक जोन से ऑर्डर करा, स्टैक भी आ जाएगा मेरा, 4-5 दिन में स्टैक आ जाएगा, बस फिर देखना बस तुम। भाई मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, मैंने जैसे तुम्हें दिखाया अंडे उंडे खाए मैं, ठीक है, अंडे उंडे खा के भाई पेट भर गया था, सुस्ती चढ़ गई, तुम्हारा भाई सो गया वैन की टांग। अंजलि को फोन करा, वैसे वो मुकर गई थी कि नहीं जाना, थकी हुई हूँ मैं ज़्यादा। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम दिखा 10:47, और 11 बजे तुम्हारे भाई की शिफ्ट है, मैं निकल रहा हूँ आज के लिए। हो सकेगा देखता हूँ ऑफिस जाए कुछ रिकॉर्ड करूँ और तुम्हें दिखा दूंगा, नहीं दिखा पाया तो मेरे लिए सॉरी उसके लिए, क्योंकि आज दिन छोटा लगा है वैन चो, मैं सो ही गया था, इसलिए फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है। और मिलते हैं तुमसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय गाइस। ऑफिस पहुंच गया तुम्हारा भाई, और यार मेरे को ऑफिस पहुंच गया ना रियलाइज हुआ यार, अब तक का मेरा सबसे छोटा व्लॉग होने वाला है ये, इससे पहले तो मेरा कोई व्लॉग ही नहीं आया जो इतना छोटा होगा भाई वाकई में। और अब घर ऑफिस पहुंच गया हूँ, मेरा दूसरा घर, वहाँ से गेट बंद होता है उस साल होगा, बाकी कोई बात नहीं, ऊपर जा रहे हैं और देखता हूँ शायद से मैं रिकॉर्ड करूँ ऊपर ही कुछ क्लिप्स, लेकिन चलो मूड पर डिपेंड है, बाकी तुम्हें ऊपर जाके मिलता हूँ या फिर व्लॉग एंड कर दूंगा, यही होगा। अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक कर दो फटाफट, अगर कोई चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो। लिफ्ट मैजिक ऑफ टू फिंगर्स। यार भाई मेरे से बड़ा चूतिया कोई होएगा इस दुनिया में, पहले ये बताओ, मत बताओ, मेरे को पता है, ठीक है, बहुत है। और भाई तू वीडियो बनाई बुलेट कटा के खा पे, चाबी ऑफ करके बुलेट की सीट पे रखी,
वहीं पे पड़ी जाएगी, बैग से चाबी लेट जाओ। चूटे मैंने सुपर जाके जेब में डाला, मैं ईयरफोन के साथ रखा चाबी, मैंने ईयरफोन उतारे चाबी जेब में, पापा ईयरफोन मैं फील कर रहा हूँ चाबी चुनाई नहीं, चाबी कहाँ गई। पक्का भाई पड़ी हुई है, अगर नहीं पड़ी हुई तो बेइज्जती का काम है फिर तो, बैंक चो कलोल हो जाएगी। व्हीकल तो सारे यहीं खड़े हैं, कहाँ से जाएगी, यहाँ पे कैमरा भी लगा, कहीं नहीं जा सकती। देखा फुद्दू हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं, वो तो चलेगी, मेरे को पागल करगी वो। तो भैया ब्रेक हुई है और अब तुम्हारा भाई चावल खा रहा है, ठीक है। ये कड़ी आईवी ने लेके आई है, ये मैं घर से लेके आया था चावल पैक करके, और मैं सोच रहा हूँ व्लॉग एंड कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन व्लॉग एंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आज कुछ सानी शूट करने के लिए और मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना भी है, इसलिए बटर लेगा बस के ऊपर गिर दो थोड़ा सा। ये लो, ये जिम कर रहे हैं, बटर भी खाते हैं, चम्मच ओ हेलो बर्बर के नहीं, खा एक चम्मच डाल बस, क्या थोड़ा स्वाद के लिए ना, तमाम बिल्कुल ही थोड़ा स्वाद खत्म कर देंगे। चलो मिलते। तो भाई थर्ड मील मैं ये खा रहा हूँ, एग रोल है, ठीक है, बीच में कोई सब्जी फ्राइड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कैबेज वगैरह है बस, एक हल्की सॉस के साथ, और सूखी रोटी है मेरे को तुम्हारे सामने है, सॉस के साथ खा रहा हूँ बस, एक केचप, एक पैकेट केचप है बस और कुछ नहीं है। तो भाई अब डाइट करनी है, प्रॉपर करेंगे जितने हो सकता है। तो ठीक है यार, तुम्हारे बाइक की तो हो गया शिफ्ट खत्म, ओ यार मेरी आवाज गूंज रही होगी ना यहाँ पे, तो चलो भाई अपनी हो गया शिफ्ट खत्म, मिलते हैं कल तुम्हें एक और नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग मैं अगले दिन में एडिट कर रहा हूँ भाई, इस टाइम तो मेरा व्लॉग पड़ जाता है, और अब घर जाके फटाफट एडिट करूंगा वो, इसे क्योंकि आज कुछ था नहीं स्पेशल जो मैं मतलब कि एडिट करने में टाइम लगाता, तो मैंने सोचा फटाफट घर जाऊंगा, दो दिन कट मारूंगा, एडिट करूंगा और फिर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, ठीक है, और कल कुछ शायद मैं बिजी रहूं तो कम क्लिप्स आए, हो सकता है मैं सिर्फ वर्कआउट वीडियो रिकॉर्ड करूं, तो भाई प्यार दिखा दिया करूं, अगर ऐसे दिन जाते हैं, क्योंकि ऐसे डाउन डेज में जो भाई सपोर्ट दिखाते हो ना तुम, कसम से भाई उसी पे बहन चो ज़्यादा ना कहते हैं उसको मोटिवेशन, उसी चीज़ में ज़्यादा मोटिवेशन आपके बहन चो उधर की, ऐसे टाइम पे भी बंदे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी थैंक यू भाई, बने रहो एंड तक, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, बने रहो एंड तक। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से भार छाती।